में एक्सरसाइजेज का हमने 8 तक क्वेश्चन किया था, आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसको पहले डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एजम्पशन करके हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूट के बेसिस पे, यहाँ पे पावर 10 है, हम सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इजीली क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हम इसमें देखते क्या है, सबसे पहले एजूम्ड टी हुज डिफरेंशिएशन इज गिवन, हुज डिफरेंशिएशन इज गिवन, जिसकी डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसको हम टी एज्यूम कर लेंगे। जैसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब कर डिफरेंशिएट करते हैं तो टू एक्स आ जाता है, जिसकी डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हमने माना कि यहाँ पे टू एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को एज्यूम करेंगे, जिसकी डिफरेंशिएशन गिवन होता है उसको हम एज्यूम कर दें। दूसरी बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा। अब मैंने कहा कि dx की वैल्यू निकाली है, तो dx की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, डी टी डिवाइडेड बाई टू एक्स इन इक्वल टू डी एक्स, हम डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते। नाउ चेंज द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी, टी के टर्म में क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, टी के टर्म में क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे हम क्या लिखेंगे, टी की पावर 10 लिख देंगे, 2x यहां पे था, dx by dt, dx के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, dt upon 2x, ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम यहां पे टी की पावर 10 dt, हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 प्लस वन टी की पावर 10 प्लस वन प्लस के, वेर के इज अ कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन 11 टी 11 प्लस के, इसका आंसर 1 अपॉन 11, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस के आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बने, ठीक है। हम आज क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x, यहां पे जैसे हमने क्वेश्चन कहा था x एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू डी पावर 5 डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 4 का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ पे x दिया हुआ था, यहाँ पे एजम्पशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t, तो t इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, जब 4 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको मान लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, यहाँ पे आपको इतना, तो dx की वैल्यू निकालनी है, तो dt upon 2x equal to dx इतना आ जाएगा। अब इसके पास इसके वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x t की पावर 5 dx का वैल्यू dt upon 2x, ये अपने आप में हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये दूसरा x हमेशा कैंसिल हो जाएगा, दूसरी जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, टी की पावर फाइव डी टी, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू टी की पावर फाइव। तो टी की पावर फाइव हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर फाइव प्लस वन, फाइव प्लस वन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइव प्लस वन प्लस के लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू सिक्स, और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर हमने एज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर की पावर सिक्स प्लस के, प्लस के आपका आंसर हो जाएगा प्लस के। अब आपका आंसर अल्टीमेटली क्या होगा, वन अपॉन ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स की पावर सिक्स प्लस के आंसर हो जाएगा, वन अपॉन ट्वेल्व ये आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा, टेन नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, टेन नंबर क्वेश्चन हमने आपको इंटीग्रेशन करनी है एक्स प्लस ए की पावर आपको एन। मैंने आपको इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत सारी बताई है, हमने कहा था जस्ट एक्स की जैसे इंटीग्रेट करनी है, एक्स प्लस ए एन प्लस वन, यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस इनटू जो कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, एक्स को जिससे मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स को क्या होता है वन से मल्टीप्लाई किया तो वन हो जाएगा, बशर्ते कि ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन के केस में ऐसे कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब एक्स की पावर नहीं होना चाहिए, एक्स सिंगल में होना चाहिए, प्लस के। तो आपका जो आंसर आएगा ये एक्स टू डी पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन यहाँ पे बी पार्ट आपका, यहाँ आपका यहाँ पे एक्स प्लस ए, ये दोनों सेम ही है, एक्स प्लस एन प्लस वन हमारा ए या बी दोनों सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एट एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा एक्स क्यू प्लस टू की पावर थ्री। अब देखिएगा एक्स क्यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसीलिए एक्स क्यू प्लस टू की हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। हम क्या यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम t इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू को एज्यूम कर लेंगे, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स लिख देंगे। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एट एक्स स्क्वायर यहाँ पे t की पावर थ्री, डी एक्स था यहाँ पे डी एक्स था, तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी टी। ये हमेशा ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा सब में कैंसिल हो जाएगा, एट अपॉन थ्री यहाँ पे t की पावर थ्री डी टी हो जाएगा, एट अपॉन थ्री टी की पावर थ्री प्लस वन यहाँ पे थ्री प्लस वन, अब आपको यहाँ पे प्लस के, तो एट अपॉन थ्री इंटू फोर टी की पावर फोर प्लस के, अब यहाँ पे आपका आंसर जाएगा टू बाई थ्री टी के प्लेस, टू बाई थ्री टी के प्लेस में हमने क्या पुट करेंगे, एक्स क्यू प्लस टू की पावर फोर प्लस के, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका, ये आपको टू बाई थ्री आंसर आया यहाँ पे टू, ये शायद नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है यहाँ पे फोर बाई थ्री, तो यहाँ हमारे पास टू बाई थ्री, तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखिएगा कितना होगा आंसर, बी पार्ट क्या है, फोर बाई थ्री डेज। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये मल्टीप्लीकेशन नहीं था, डिवाइड था, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में हमने यहाँ पे जो टी क्यूब ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, जो हमने गलती किया। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास जो ये ऐसे था, क्वेश्चन को पढ़ने में हमने गलती किया है, तो जब ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा और ये पावर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस,
अब ये जो माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बाकी सारे सेम वैसा ही होगा, माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, ये जब कैंसिल होगा तो ये फोर हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस फोर अपॉन -4/3, जो टी की पावर -2 है, तो यहाँ पे टी का यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब -4/3, अब यहाँ पे टी की जो वैल्यू हमने पुट किया था एक्स क्यूब प्लस टू का स्क्वायर प्लस के आंसर हो जाएगा, दैट इज द बी पार्ट, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेट इसको करनी है, एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर 3x, अब इसको इंटीग्रेट करनी है। तो यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, एक मेथड होता है। ये दूसरी तीसरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में, ये कॉन्सेप्ट थ्री है, आपको माइंड में रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो जनरल था, दूसरी कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तीसरी कॉन्सेप्ट जरूर आप लिखिएगा मेथड सारे। सबसे पहले एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरी आपका सब्स्टिट्यूशन का मेथड था, सब्स्टिट्यूशन। ये आप लोग सारी कॉन्सेप्ट को जरूर साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। और हम अब तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको कहते हैं पार्ट्स। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक वर्ड याद करते हैं, आईलेट। आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जो पहले होता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। लेट का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये जो फंक्शन आपका, आपको दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में दो फंक्शन होता है। जैसे यहां पे देखिएगा, ये आपका अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। हम दो को इंटीग्रेट करते हैं। अब दो का इंटीग्रेशन कैसे होता है, मान लिया जाए हमने यहाँ पे यू और वी दो पार्ट को इंटीग्रेट करनी है। तो ये कहता है कि किसी एक फंक्शन को आप बाहर ले लीजिए, दूसरे फंक्शन को आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो ये वाला जो फंक्शन है फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट माना, और ये जो फंक्शन है वो आपको सेकंड पार्ट माना, इसको सेकंड पार्ट माना। आप बात को समझिए, ये सेकंड पार्ट। तो पहली फंक्शन को हम बाहर लेते हैं, दूसरी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करनी, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है उसी को इंटीग्रेट करनी। और फिर ये जो फंक्शन जो बाहर लिया गया उसको क्या करनी है, डिफरेंशिएट करनी है, डिफरेंशिएट करनी है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होता है, दो बार इंटीग्रेशन होता है। इस इंटीग्रेशन के लिए आप डीएक्स लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन के लिए अब एक और डीएक्स आप लिखेंगे यहाँ। तो किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, यहां से आप समझिएगा। आईलेट से जो पहले फंक्शन आएगा, जिसका यहाँ पे आईलेट में पहले होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, उसको फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, ठीक है ना। आईलेट, आईलेट हमेशा माइंड में रखना है, आईलेट। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो फंक्शन है, एक तो एलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एलजेब्रिक को ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे इसके बेसिस पे। और देखिए मैं इंटीग्रेट करके आपको बताता हूं कैसे बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करके हम आपको बताएंगे अभी।
देखिएगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बना दिया, 13 12 तो फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब आपको यहां पे एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स डी एक्स, मैंने कहा एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन है तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेशन किया गया उसको ही इंटीग्रेशन करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। फिर जिसको मैंने बाहर लिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो ये वाली पार्ट आपका एक हो गया, ठीक है ना। अब यहां तो इंटीग्रेशन एक और स्टार्ट है तो उसके लिए हम डी एक्स यहां लिख देते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टू को बाहर ले लीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है, अभी भी इंटीग्रेशन करना बाकी है हमें, तो यहाँ पे टू ले लिया, अब टू को यहाँ पे फिर बाहर लेकर ऐसे इंटीग्रेट कीजिए। अब हमारे पास e टू डी पावर x x, तो यहाँ पे भी अल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अल्जेब्रिक फंक्शन को पहला लेंगे तो हम यहाँ पे ले लेंगे e टू डी पावर x dx माइनस डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन e टू डी पावर x dx, यहाँ पे dx अपॉन dx, जो x यहाँ पे था इसकी डिफरेंशिएशन, और इस इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे dx लिख देंगे, तो ये आपका एक कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे, और ये आपको पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस टू एक्स ई टू डी पावर एक्स, यहाँ पे माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा ई टू डी पावर एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाता है ई टू डी पावर एक्स। अब इसको फिर से देखिए एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स ई टू डी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू डी पावर एक्स प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इतना आंसर हो जाएगा ये, तो ए पार्ट देखिए आपका हमने यहाँ पे e, तो ये तो 13 पार्ट का था, तो 13 में यहाँ पे क्वेश्चन में e टू डी पावर 3x लिखा हुआ है और मैंने 3 को डिस्कस नहीं किया है, इसके अनुसार मैंने बनाया, ठीक है ना। अगर 3 को मैं डिस्कस करता तो कैसे लिखता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे जब 3 होता तो यहाँ पे 3 होता, जो कोफिशियंट ऑफ x होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ जो 2 आया यहाँ पे 3 था तो जो कोफिशियंट ऑफ x होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, अब देखिए यहाँ तो 2/3 है, यहाँ पे 3, इसकी इंटीग्रेशन किया गया तो हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन किया, 3 था सॉरी, यहाँ पे भी तो ये 9 हो गया, फिर इंटीग्रेशन के बाद एक और 3 आ जाएगा, तो अल्टीमेट आपके पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर 3x, यहाँ पे 3 छूट गया था तो 3 छूटा था, एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर 3x माइनस 2/9 एक्स ई टू डी पावर 3x, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2/27 ई टू डी पावर 3x प्लस के, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट। जहां तक क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में उन्होंने कहा,
क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, अभी पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया नहीं है, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए डी एक्स, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में बता सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 इंटू ए के प्लेस पे 2 है, log x माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, तो दिस इज अ डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, समझ आ गया ना। तो डायरेक्ट हमारे पास ये अला आंसर्स, ये कौन सा पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये सी पार्ट, देखिए ये आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट में हम 14 से हम शुरू करेंगे।